प्यारा व्यू आने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आप इधर से देख लो, ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक। एक और ब्लॉग जो कि है शहजारा देहरादून का, और अभी हम लोग सुबह 8 बजे निकल गए थे ऋषिकेश से, और 12-1 बजे यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। 1 बज रहा है अभी, तो हम लोग शहजारा में हैं, और शहजारा में वाटरफॉल काफ़ी अच्छा है यहाँ का, वो लोग देखने आए हैं और आपको भी दिखाते हैं। वो टेम्पल है, बात कर रहा था, और रोड पे जाता है यहाँ, और ये व्यू है इधर, ठीक है गाइस। इस साइड का कुछ ऐसा व्यू है, आप देख सकते हो पहाड़ों का, और ये वाटरफॉल और वो ब्रिज वगैरह है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। हम लोग को इधर से बस स्टैंड पे उतरना है, बाद में भी जाना थोड़ी दूर पे, 4 कदम पे। काफ़ी गर्मी है वैसे, गर्मी नहीं लेकिन धूप बहुत तेज है। और ये पूरा व्यू आप देखो, देखते हुए चलो हमारे साथ साथ। तो गाइज़, मेरा एक्सपीरियंस ये था वहाँ से आते वक्त कि लोग आपको ठगते बहुत है कन्वेंस के मामले में। तो बहुत सिंपल सा रास्ता है, ऋषिकेश बस स्टैंड पे आओ, वहाँ से आपको आना है देहरादून, ठीक है। देहरादून आते ही आप प्लेग्राउंड पार्क की तरफ जाओ, ठीक है, वहाँ से 15 रुपये का किराया है, और फिर उसके बाद आप 25 रुपये से बस पकड़ के, या आप अपना पर्सनल ओला वगैरह करके, या कार करके, कार बुक करके आप शहजारा आ सकते हो बहुत कम पैसे में, ठीक है। और इतना ज़्यादा इन्वेस्ट, मतलब इतना ज़्यादा खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा लूटते हैं, इस टाइप का कुछ सीन है ना। बाकी मैं सारी जो डिटेल है अमाउंट वगैरह की, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैं वो सारी चीज़ें बता करके ब्लॉग को बोर नहीं करना चाहता। मैं आपको सीधे व्यू दिखाता हूँ, और सीधे मेन पॉइंट्स से आते हैं हम लोग, जहाँ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। पीछे दोनों भी थक गए हैं बहुत ज़्यादा, और आप गर्मी देख सकते हो, अंशु की जैकेट उतरी हुई है। चलते, थोड़ा नहाया जाए, कूलिंग करने का टाइम आ गया है। इधर से रास्ता है, यहाँ से हम आपको लेकर के चलेंगे, और बहुत ही प्यारा व्यू आने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आप इधर से देख लो, ठीक है। तो गाइस, यहाँ चलते लेकर के आपको बहुत प्यारे प्यारे व्यू आने वाले हैं। क्या सीन है, तो यहाँ से रास्ता खुला हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, और हम जाएंगे यहाँ से यहाँ। और गाइस, भीड़ देख सकते हो आप, अभी जूम करके देखिए, ये है वाटरफॉल, और ये वो वाटरफॉल है जिसकी मैं बात कर रहा था। चलते हैं आगे, और दिखाते हैं आपको करीब से नज़ारे वाटरफॉल के, और हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो पीछे रह गए। कोई नहीं गाइस, हम यहाँ से आपको लेकर के चलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस यहाँ पे, लाइक भीड़ के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा है, और ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ है। हाँ, आपको यहाँ से लेकर के चलते। ओके, बच गए, बच गए। और ये देखो व्यू, थोड़ा सा इधर का व्यू व्यू लेते चलते हैं हम लोग ऊपर साइड, और चेंजिंग रूम भी है यहाँ पे। और रास्ता है, और ये देखो तो गाइस, तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई, लॉकर रूम्स है, चेंजिंग रूम्स वगैरह हो गए हैं। जब मैं आया था पहले, तब यहाँ पे सारी चीज़ें कम थी।
तो ये रहा गाइस आपका सहस्त्रधारा देहरादून का वाटरफॉल। अब बारी आ गई हम लोग की भी अंदर जाने की, और अब हम जा रहे हैं नीचे पानी में, थोड़ा हम भी इंजॉय कर लें, और इंजॉय की आप क्लिप भी देख लेना, और आप भी आओ। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर या कमेंट करते तो कमेंट कर देना, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ ही साथ हम जा रहे हैं नीचे नहाने, नहा के आते हैं, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए गाइस। यहाँ से हमारी आएगी मैगी, चाय और भाई की चाउमीन। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर भीड़ कितनी ज़्यादा है। ओके, एक बेस्ट प्लेस है, आपको टाइम स्पेंड करने यहाँ ज़रूर आना चाहिए। काफ़ी अच्छा है ये व्यू पूरा, आप देखो, और जूम करके दिखाएं तो आपको देखो उधर कितना क्राउड है गाइस, कितना ज़्यादा क्राउड है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं आप यहाँ देख सकते हो अच्छे से। और इसके साथ ही साथ पूल के साथ हल्का सा ऊपर देखोगे तो वो वाव, फुल नेचर का पूरा नेचर है यहाँ पे, और नेचर का नेचर का पूल भी है और सब कुछ है। मतलब देखो खाने से लेकर के एंजॉयमेंट, पीस, जो चाहिए आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। जी सर, हम नहीं खाएंगे, मेरी मैगी आ रही है, मैं मैगी खाऊंगा। ओके, तो भाई खाएंगे मैगी, कहना चाहेंगे कैसे पकौड़े? ठीक ठाक, ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं नहीं भाई। तो गाइस आ चुकी है हमारी मैगी, और जितनी मैगी सरकाई ना, हल्की सी मैगी खाने को सरकाई है, ट्रिप में दिखाएंगे उसको। भाई मैगी कैसी है? बढ़िया बढ़िया है। तो गाइस हम लोगों ने पी ली चाय, ख़त्म कर दी मैगी, और ब्लॉग ख़त्म करने से पहले दो चार रिव्यूज़ और कुछ चीज़ें और हम लोग देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं, और फिर हम जल्दी से चलते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश भी जाना भी हम लोग को, तो टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं, और हम लोग को पहुँचना वहाँ पर 6 बजे तक, ताकि हम शाम का राम झूला शूट करें। ठीक है, जल्दी चलते हैं यहाँ से।